हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के बिग बॉस में मैं आज बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुई हूँ काफ़ी फैसलों से, काफ़ी लोगों से। और आज का जो बिग बॉस आया है मुझे बहुत ही अजीब लगा, क्योंकि बहुत सारे रीजन्स हैं इनके पीछे जो मैं आपसे शेयर ज़रूर करूँगी। क्योंकि हम देखो रिव्यू करते हैं, बात करते हैं उस सब चीज़ के बारे में जो आज बिग बॉस में हुई, लेकिन मुझे इन कहीं ना कहीं चीज़ों में देखो जहाँ सही होंगे वहाँ सही का साथ देंगे और जहाँ गलत होंगे वहाँ गलत का साथ देंगे। तो पहले हम थोड़ी अच्छी 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 बातें कर लेते हैं, उसके बाद में जिस बात से मैं बहुत ज़्यादा नाराज़ और डिसअपॉइंट हूँ उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली वो बात थी क्या। भाई आज रोमिल कैप्टन बन गए हैं और अपनी कैप्टनसी में वो किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रहने दे रहे हैं। वो नहीं चाहते कि मैं एक बुरे कैप्टन की तरह निखर के आऊं या फिर मेरी कैप्टनसी में बहुत सारी गलतियां हों, रूल्स तोड़े जाएं, तो वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर रहे हैं। जबकि देखो जहां आज जब सॉन्ग बज रहा था तो कहीं ना कहीं सब सो रहे थे, रोमिल फटाफट से जग के सबको जगा रहे थे। जसलीन को उन्होंने हाथ पकड़ के खींच लिया, श्री की ब्लैंकेट हटाने की कोशिश कर रहे थे, सुरभि को भी उन्होंने जगाया, मतलब वो कहीं ना कहीं सबको जगाने ही में ही लग रहे थे। अब देखो ठीक है, आप अपनी कैप्टनसी के लिए इतने ज़्यादा मतलब जिम्मेदार हो, रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिली है, आप बहुत अच्छे से उसको निभा रहे हो, अच्छी बात है। लेकिन उससे पहले भी और लोगों को भी कैप्टनसी मिली थी रोमिल, और उस कैप्टनसी में आपने क्या किया था? आप सोते रहते थे, आप जाके बाथरूम में जाके सो जाते थे, और आप कोई घर का काम नहीं करते थे ढंग से। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जब आपके ऊपर जिम्मेदारी आती है ना तो आपको वो बात पता चलती है। तो कहीं ना कहीं रोमिल को चलो ठीक है, जो भी है जैसा भी है। और आज रोमिल ने अपने कैप्टनसी के तौर पे आज उन्होंने एक रेवेंज भी जो रेवेंज ले ले रहे थे, वो जिस तरीके से आज जब टास्क हुआ है कालकोठरी में भेजने के लिए, भेज रहे थे उनको कालकोठरी में तीन बंदों को, तो काफ़ी बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखने के लिए। गलती सबकी थी आज जो हुआ घर के अंदर, जो बिग बॉस ने फैसला लिया आज, काफी लोगों की गलती थी। तो रोमिल की बात करेंगे पहले, रोमिल कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे थे अपने कैप्टनसी को मजबूत करने की, बट श्री ने ऐसा नहीं होने दिया। श्री ने क्लियर बोला, आप मेरे साथ ऐसा ना करें, मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मैं आपसे कोई बहसबाजी नहीं करना चाहता, मैं सो रहा हूं तो मैं सो रहा हूँ। जहाँ पे कुत्ता वुत्ता भी भौंका था, मुर्गा भी बोला था, तो ऑब्वियसली रोमिल कर्मा तो आता ही है कहीं ना कहीं, आप जो करते हो वो आपके सामने जरूर आता है। उसके बाद में रोहित ने आज कोशिश की सृष्टि से बात करने की, जहाँ उन्होंने नेल पेंट से सॉरी वॉरी भी बोला, जो बहुत सारी बातें हुई थी जैसे उन्होंने जेल पे बोला, और बाकी भी उनकी थोड़ी बहुत अनबन दिखाई दे रही थी उस चीज़ के बारे में, तो उन्होंने सॉरी बोलने की कोशिश की एक लेटर में, जहाँ सृष्टि गई और आज सृष्टि को सब बोल रहे थे आप बहुत अच्छी लग रही हो, आज गुड़िया जैसी लग रही हो। तो उसके बाद में सृष्टि गई, सृष्टि ने वो देखा, उनको भी बहुत अच्छा लगा वो गेस्चर, जो मोमेंट था वहाँ पे। तो जाके फिर उन्होंने रोहित से बात की, भाई ये क्या था, मतलब एक रूड भी है, मैं ऐसे जाके नहीं, अरे यार कोई बात नहीं, ऐसे नहीं, मतलब एकदम एकदम वो जो एटीट्यूड उनका दिखाई देता उनके फेस से, तो उनके उसी पे ही उसी के तरीके में उन्होंने जाकर रोहित से बात किया, भाई क्या है, मुझे नहीं बात करनी है रोहित, ठीक है इट्स ओके, मैंने तेरे को माफ़ कर दिया। तो रोहित ने कहा, यार नहीं मुझे बात करनी है और तुझे बात मेरे से करनी ही पड़ेगी। तो काफ़ी सारी उन लोगों के बीच में बात हुई, जहाँ पे वो उठकर चली भी गई थी, तो उन्होंने उनको समझाया भी कि यार तू कुछ भी बोल देता है, थोड़ी सी तो रेस्पेक्ट कर, थोड़ा तो तू किसी के सामने भी कुछ भी बोल देता है रोहित, ये क्या है। तो बात कर रहे थे जहाँ पे, जब वो जा रही थी तो जब रोड़े रोड़े कर रहे थे वो रोहित कह रहे थे रोड़े, तो उन्होंने सृष्टि कहा कि रोड़े इज रूड, मैं मतलब मुझे बात नहीं करनी है। तो रोहित ने कहा, नहीं रोड इज क्यूट, ओके। उसके बाद में आई काल कोठरी जाने के लिए, तीन बंदों के नाम लेने थे, जहाँ पे बिग बॉस ने एक चिट्ठी भेजी थी और चिट्ठी में था रोमिल को तीन टिकट दी गई, कैप्टन है वो, तो वो चॉइस करेंगे किन तीन बंदों को काल कोठरी में जाना चाहिए इस बीक में, जिसने भी जो भी गलतियां की उसके बेस पे। जहाँ पे रोमिल के दिमाग में देखो बिल्कुल क्लियर क्लियर दिखाई दे रहा था कि मुझे कहीं ना कहीं जिन लोगों का नाम लेना है और
उनको पता था कि घर में और क्या होने वाला है। जा देखो, उन्होंने शिव का नाम लिया, खूब भयंकर लड़ाई हुई, खूब भड़के। मेघा मेघा बिकॉज इसलिए भी कुछ चली गई क्योंकि उनको गिल्ट था उस चीज का कि जो उन्होंने चप्पल वप्पल उठा ली थी दीपक का, तो वो बात ना उठे उस वजह से वो जेल भी चली गई। और उनके कहना कहीं उन्होंने अपनी बात रखी कि रोमेल आपने मेरे को मौका नहीं दिया मेरी बात को रखने का, मेरे को बोलने का, लेकिन फिर भी वो चली गई, ज्यादा उन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन शिव नहीं जाना चाहते थे, और शिव को भेजना मुझे भी समझ में नहीं आया, बिकॉज शिव जितने वीक्स में वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे, वो अभी कहीं ना कहीं निखर के आ रहे हैं। और ऐसी बात नहीं है, गाली गलौज की बात है, तो सुरभि ऑब्वियसली बहुत सारी इतना इतना कुछ कर देती हैं वो, तो ऑब्वियसली उनको जेल जाना बनता था। और जहाँ पे सुरभि का जैसे ही नाम लिया उन्होंने, तो सुरभि आज बहुत भयंकर ब्लास्ट हुई है, और सुरभि का जाना तय ही था, सुरभि को जाना ही चाहिए था। लेकिन शिव के मामले में आज जो हुआ, मैं शिव की जो जो गलत हुआ मैं उसके बारे में बोलूंगी, और जो सही था मैं उसके बारे में भी बात करूंगी आज। तो कालवोटरी में पहले मेघा का क्लियर कर लेते हैं। मेघा से मेघा का नाम लिया, पहले उन्होंने फर्स्ट टिकट मेघा को दे दी, और मेघा ने काफी कोशिश की अपने आप को डिफेंड करने की, भाई कि मैंने क्या किया है। तो उन्होंने बताया कि दीपक को जिस तरह चप्पल वप्पल आपने मारी इंटरनेशनल पे, मतलब दिखाई थी, तो उस बेस में मैं आपको कर रहा हूँ। उन्होंने बहुत सारी चीजें थी जो उन्होंने अपनी क्लियर की, लेकिन मेघा ने भी अपना क्लियर किया कि भाई अगर मैं गाली वाली के ऊपर मेरे को अगर भेजा जा रहा है, तो आप ऑब्वियसली मेरी तरफ से शिव का सॉरी सुरभि और दीपक का नाम रहेगा ही रहेगा। तो देखो, रोमिल के माइंड में पहले सुरभि का नाम नहीं था, बट मेघा के कहने पर उनका नाम दीपक और सुरभि का नाम उनके माइंड में आ गया कहीं ना कहीं, जहां पे सुरभि के मैटर में बहुत बड़ी बात हो गई। और केबी ने भी सुरभि का नाम लिया था कि भाई वो माहौल खराब करती हैं, शिव का नाम भी लिया था कि भाई वो घर में थोड़े तो काफी दिनों से ऐसे दिखाई दे रहे हैं, उनका बिहेवियर वगैरह जो है। तो सुरभि की देखो, सुरभि का पॉइंट पकड़े अगर हम, तो सुरभि का माहौल ना खराब करने वाली बात रोमिल के माइंड में कहीं ना कहीं घर वालों की तरफ से आई कि सुरभि घर का माहौल खराब कर रही हैं अपनी बातों से, अपनी लैंग्वेज से, अपने बोलने के तरीके से। जहाँ पे सुरभि मेघा बेचारी जाकर जेल में बैठ गई। उसके बाद में जब सेकंड टिकट का नाम आया, तो सुरभि का नाम आया, और सुरभि आज भयंकर ब्लास्ट हुई है, जमकर ब्लास्ट हुई है। और वो फुल उन्होंने इंग्लिश में बात की आज, फुल नियम तोड़े आज उन्होंने, खूब गाली गलौज की है। जहाँ उन्होंने बोला ये मेरा एटीट्यूड है, ये मेरा स्वैग है, और मैं ऐसे ही बात करूंगी, और जिसको रखना है रखो, बिग बॉस वाले चाहते हैं तो निकाल दो, मैं घर से चली जाऊंगी, ये मतलब वो बहुत ज्यादा ब्लास्ट हो गई आज, बहुत भयंकर ब्लास्ट हो गई वो। और पता है सुरभि का एक ये भी दिखाई दिया, जहाँ वो रोमिल सुरभि श्री का नाम ले रहे थे, तो वो श्री के लिए बोले थे भाई आप हर बार श्री का नाम ही लेना क्यों जरूरी है, आप किसी और का भी तो नाम ले सकते हो। जब शिव की बात आई, तो शिव का भी उन्होंने बोल दिया कि भाई वो मेरा फ्रेंड है, वो नहीं जाएगा। तो वो शिव और श्री के साथ में थी, तो उन्होंने क्लियर मना कर दिया, लेकिन वो खुद भी नहीं जाना चाह रही थी। लेकिन सुरभि को, मेरे को ऐसा लगता है, इतनी सारी चीजों को देखकर सुरभि को कहीं ना कहीं जाना चाहिए था, क्योंकि वो डिजर्व करती हैं, शिव से ज्यादा वो डिजर्व करती हैं। बिकॉज शिव जब बोलते हैं तो दो चार बातें बोलते हैं, लेकिन स्वामी के इंसिडेंट में ही वो बातें निकल कर आई, बाकी का देखा जाए तो कहीं ऐसी बातें नहीं निकल कर आई। तो सुरभि आप देखो तो पूरे घर के अंदर वो कहीं ना कहीं किसी से बात करती रहती है। और आज जिस तरीके से सुरभि का बिहेव था, सीरियसली बात वहीं से बिगड़ी। शिव जिस तरीके से आज चले गए, वो जाना नहीं चाहते थे उस चीज पे, लेकिन वो चले गए उस जगह पे, और वो जाते 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 थे उस चीज पे, बहुत ज्यादा गलत हो गए। लेकिन आज शिव मुझे एक गलती सिर्फ उनकी मुझे दिखाई दी, वो ये थी कि उन्होंने बिग बॉस का कहना नहीं माना। अगर इतनी बात हो रही थी, बाकी के घर वाले भी उनको समझाने की कोशिश कर रहे थे कि सिर्फ देखो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी, मानते हैं कि आपको अपनी गलती नहीं दिखाई, गलती नहीं लग रही है, आपने कुछ गलत नहीं किया है, तो वो कल वीकेंड के बाद क्लियर हो जाएगी, आप अभी चले जाओ। लेकिन सिर्फ बिल्कुल अड़े हुए थे कि मैं नहीं जाऊंगा। तो पहले सुरभि की बात, सुरभि ने बिल्कुल भी एग्री नहीं किया, खूब जमकर गाली गलौज की आज घर के अंदर, जमकर इंग्लिश बोली है, रोमिल से खूब झड़प हुई है उनकी, किसी भी घर वाले से वो बात नहीं करना चाहती थी। तो पहला माहौल जो खराब हुआ घर का, वो सुरभि की तरफ से ही हुआ है, मेरा मानना ऐसा है कि सुरभि की तरफ से वो माहौल खराब हुआ था घर में, जो भी हुआ। और वो सबसे ज्यादा चिड़ी इस बात पे थी कि मेरी गाली देने पे और मेरे माहौल पे बात आ रही है, तो
मैं उस वजह से जेल नहीं जाऊंगी, जबकि मेघा जूता सिर्फ दिखाने, बोलने और एक दो गाली देने की वजह से ही वो जेल में थी। रोमिल ने उनको उसी बेस पे डाला था, और रोमिल ने ये भी बोला स्वामी से कि मुझे पता था ये एक्सपेक्टेशन थी इस चीज की कि ये होगा, मुझे पता था सुरभि ये करेगी, और इसको सेल्फ रियलाइजेशन कराने की वजह से मैंने इसका नाम लिया, और उनको रियलाइजेशन करवाने की वजह से आज घर में सिर्फ शिकार हो गए उस चीज का, जहाँ सुरभि के लिए वो डिसीजन होना चाहिए था लेकिन सिर्फ उस बीच में आ गए। उसके बाद में रोमिल ने तीसरा सॉरी सेकंड अनाउंस किया सिब के लिए, जहाँ सिब ने क्लियर मना कर दिया कि भाई मैं नहीं जाऊंगा, मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे ये टिकट एक्सेप्ट नहीं करनी है, चाहे तुम बोलो चाहे बिग बॉस वाले बोले मैं नहीं जाऊंगा। उनकी सिर्फ एक लाइन अपने आप को डिफेंड कर रहे थे उस चीज में, उनका ये बोलना कि बिग बॉस वाले बोले या ना बोले मैं नहीं जाऊंगा, वो बात वो चीज वो एक लाइन गलत थी। बाकी का वो जिस तरीके से अपने आपको डिफेंड कर रहे थे, रोमिल से बात कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं सही था, क्योंकि डिफेंड करना था, अपने आप को डिफेंड करना था ना जाने के लिए जेल में, क्योंकि जेल जाना मतलब नॉमिनेशन में आना, और ये सबको पता चल चुका है। और देखो अभी तक जो गेम जिस पड़ाव पे आ चुका है, अब यहाँ पे महानता दिखा के अपने आप को नॉमिनेट कर देना, ये उन लोगों की बेवकूफी होगी जो इतने टाइम से ट्राई करते हैं बिग बॉस में आने के लिए, और वो उस टाइम पे फिर आकर अपने आप के लिए खुद नहीं लड़ेंगे तो वो नहीं रह पाएंगे। अब देखो सिर्फ की बातें मैं आपको बता दूं, सिर्फ एक ही चीज में मुझे गलत लगी कि उन्होंने बिग बॉस की बात नहीं मानी। सेकंड बात, उनके माइंड में एक चीज और आ गई थी, जब जैसे ही नॉमिनेशन का हो रहा था तो श्री को कहीं ना कहीं पता चल गया था कि भाई मेरा नाम आने वाला है, क्योंकि श्री को रोमिल ने जाकर जब बताया कि आपके सब घर वालों के सबसे ज्यादा वोट आपकी तरफ है, आपको वो जेल भेजना चाहते हैं, जहाँ पे केवी ने भी बोला था, जसलीन ने भी बोला था, काफी और दो तीन लोगों ने भी एग्री थे उनको जेल भेजने के पीछे। तो जब उन्होंने बोला सृष्टि और शिव के सामने, जब उन्होंने ये बात बोली कि मैं टिकट ले लूंगा लेकिन मैं जाऊंगा नहीं, चाहे बिग बॉस वाले अपना जोर लगा ले, चाहे रोमिल जोर लगा ले, या कैप्टन रोमिल जोर लगा ले, मैं नहीं जाऊंगा, तो वो बात कहीं ना कहीं देखो सिरी तक तो नहीं आई लेकिन वो बात सिब पर आ गई, और सिब ने उस बात को कहीं ना कहीं अपने माइंड में बिठा लिया कि यार सिरी ऐसे कर रहा है, तो सिरी को फॉलो करने के चक्कर में आज सिब कहीं ना कहीं डूबे। और उसके बाद में उन्होंने वही चीज फॉलो की, उन्होंने टिकट तो ले लिया था लेकिन उन्होंने ऐसे हवा में उड़ा के फेंक दिया, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, चाहे बिग बॉस वाले कुछ बोले चाहे नहीं बोले, मैं नहीं जाऊंगा। उसी चीज में सेकंड बात और हुई, शिव ने सीरियसली में ऐसा नहीं सोचा था कि मेरा इस तरीके से बात करना या इस तरीके से इस बात को प्रेजेंट करना इतना गलत हो जाएगा कि बात सारे घर वालों के ऊपर हो जाएगी। तो उसी बेस पे वो इतना ज्यादा 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 करते चले गए, जहाँ बिग बॉस ने खुद बोला कि रोमिल को हमने 2 घंटे का टाइम दिया लेकिन वो बिग बॉस की जो आज्ञा थी उसकी अवहेलना कर रहे थे, उस वजह से उन सारे घर को नॉमिनेट कर दिया। अब देखो इसमें एक रोमिल की बात सही थी, जब वो जसलीन से बात कर रहे थे कि मैं उन सब घर वालों को दोषी मानता हूं कि जब उस टाइम पे वो शिव को नहीं समझाए जाने के लिए, वो सब बैठे थे बस देख रहे थे, दो चार जनों ने समझाई, या केवी समझाती नजर आए, दीपिका समझाती नजर आई कि देखो दीपक शिव ऐसा डिसीजन मत लो और आप चले जाओ, ये बात वीकेंड पे क्लियर हो जाएगी कि आपकी गलती थी या नहीं थी। लेकिन शिव के माइंड में एक बात और बैठी थी कि जब सिरी ने बोला ना कि भाई शिव की कोई गलती नहीं है, शिव तो नहीं जा रहा है, जो उन्होंने पीठ पे किचन में जाते हुए किचन में और सराउंड में जो बोली कि भाई ये तो नहीं जा रहा है, तो शिव की गलती है, 80% मैं शिव की गलती मानती हूँ इस चीज के अंदर, क्योंकि उन्होंने बिग बॉस के बात की अवहेलना की, अगर ऐसा था तो कैमरे में बोलकर एक बार कह सकते थे कि बिग बॉस मुझे आपसे बात करनी है, मैं नहीं जाऊंगा। और इस बीच में देखो एक चीज मुझे बहुत बुरी लगी, जो थी कि बिग बॉस की टीम ना कहीं श्री को सपोर्ट ज्यादा कर रही है, सुरभि को भी बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही है, जबकि ये दोनों मेंबर्स बहुत ज्यादा गलत हैं, क्योंकि श्री कभी भी देखो
हर चीज में वो खुद बिग बॉस के आज्ञा की अवहेलना करते हैं। जब बिग बॉस उनको समझाकर बुलाते हैं उसके बाद में वो कोई ना कोई डिसीजन पे पहुंचते हैं उनको समझाने के बाद में, तो भाई वो तो स्क्रीन पर आ गए ना, ऑब्वियसली सी बात है। और इंडिया का दिल तो वो जीतेंगे ही जीते, सुर भी चिल्ला चिल्ला के एक गर्ल्स के चक्कर में वो नहीं बिग बॉस वाले कुछ कर पाते हैं उनका, क्योंकि वो ही टीआरपी दे रही है अभी शो में, तो वो भी कुछ नहीं कर पा रही है। अब बेचारी सिर्फ इतने टाइम से खेल नहीं रहे थे, जहां वो खेलने लगे तो देखो क्या हो गया। मैं शिव की बात से एग्री हूं, जो उन्होंने बोला कि मैं परफॉर्म कर रहा था, जब तक नहीं कर रहा था तो भाई कुछ नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, जब मैं करने लगा तो भी गलत हो गया मैं। तो भैया ऐसा है, बिग बॉस वालों को और उनकी जो टीम है उनको जिनको जिताना होगा वो उसी को ही जिताएंगे। और जहाँ बिग बॉस ने इतना लंबा लेक्चर आज दिया कि यहाँ महान महान हस्तियां आती हैं और आज ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, लोग आने के लिए तरसते हैं, मैं मानती हूँ कि लोग आने के लिए इस चीज़ पे तरसते हैं, बहुत लोग ट्राई भी करते हैं, जा जाकर भी वापस आ जाते हैं इस शो में, स्ट्रगल नहीं कर पाते या रह नहीं पाते या जा नहीं पाते हैं। लेकिन बिग बॉस वाले को मेरा एक क्वेश्चन है, अगर ये मेरी वीडियो चाहे 2 पर्सन देखे चाहे 4 पर्सन देखे, मेरा उन सबसे और बिग बॉस वालों से एक क्वेश्चन है। माना कि शिव ने आपको मना कर दिया वहां उस टिकट को लेने के लिए, तो ये इतनी बड़ी बात नहीं थी कि आप सजा के तौर पे पहले पूरा घर नॉमिनेट हो गया और कल सलमान जी ने उन्हें घर से निकालने के लिए बोल दिया है, इविक्शन, डायरेक्ट इविक्शन कर दिया उनका, निष्कासित कर दिया उनको घर से। तो देखो बिग बॉस वालों की भी कमी है, अगर ऐसा था तो वो शिव को बुला सकते थे कन्फेशन रूम में, वहां उनको समझा सकते थे। अगर उनके समझाने के बाद में भी शिव इस डिसीजन पर नहीं पहुंचते तो उस चीज में मैं शिव की 101% गलती मानती, लेकिन मैं नहीं मानूंगी, क्योंकि उनको अपनी गलती का रियलाइजेशन था। जहां से बोल भी रहे थे बेचारे, रोए भी हैं, वो रोए भी हैं, जहां उन्होंने बोला भी कि भाई जब उनको सोमी और दीपक बहुत जबरदस्त टॉर्चर कर रहे थे, तो मेघा भी जब बोली कि यार शिव क्या तुम बिग बॉस के शो को इतना मजाक ले रहे हो और ये इतना बड़ा शो है, जहाँ दीपक ने बोला कि भाई तुम्हारे पास में इतने पैसे हैं और तुम्हें तो क्या टेंशन है आने की, और तुम्हें कोई टेंशन नहीं है, 50-60 करोड़ की प्रॉपर्टी है तुम्हारे पास में, जहाँ सोमी ने बोला तुम्हें बहुत घमंड है उस चीज का, अपने पैसों का घमंड है, अपनी पर्सनैलिटी का घमंड है। तो वही वाली बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि अगर बिग बॉस वाले एक बार कोशिश करते उस चीज को सही करने की, वो शिव को बुला के कन्फेशन रूम में अगर बात करते तो कहीं ना कहीं इतनी बात नहीं बिगड़ती। लेकिन चलो यहाँ तक ठीक था कि सारे घर वाले नॉमिनेट हो गए, जहाँ पे बेचारे, ऐसा नहीं है शिव को दुख नहीं था, शिव को बहुत ज्यादा दुख था, जब श्री से वो बात कर रहे थे वो रोए भी थे, वो रोए भी थे जिस बीच में जब उन पे सब लोग चढ़ रहे थे, उन्होंने बोला भी था कि भाई अब बताओ मैं क्या, इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ, अब जो बिग बॉस वाले बोलेंगे वो मैं कर लूंगा, क्या करूं बताओ इससे ज्यादा। पता नहीं बिग बॉस वालों ने शायद एक ये थीम बना ली है कि हर बार किसी ना किसी को ऐसे ही निकालना है शो से, हो सकता है टीआरपी के लिए हो सकता है कोई कुछ और ही हो, नई शो में कुछ नहीं कर पा रहे होंगे या फिर उनकी उनके तरीके सोचने से। तो लेकिन जिस तरीके से भाई मैंने देखा है 7 हफ्तों अभी 7 दिन में शिव को, तो वो बहुत अच्छी तरीके से निखर कर आए हैं। बाकी का उनकी शो को लेकर उन्होंने ऐसा कोई वर्ड बोला नहीं है, बिग बॉस को लेकर उन्होंने कुछ ऐसा वर्ड बोला नहीं है, सिर्फ एक पहली बार उन्होंने किसी बिग बॉस की आज्ञा का पालन ना नहीं किया, जिसकी वजह से बेचारों को इतनी बड़ी सजा देना, मुझे नहीं लगता उनको इतनी बड़ी सजा देनी चाहिए, घर से डायरेक्टली उनको निकाल देना विदाउट नॉमिनेशन और विदाउट किसी रीजन की वजह से, क्योंकि ये इतना बड़ा रीजन नहीं है। अगर आपको भी अच्छे कंटेंडर चाहिए अपने शो के अंदर तो आपको भी थोड़ा करना पड़ेगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा। लाइफ में लोग आप मेन बिग बॉस का क्या है, सर्वाइव करना, लोगों को सर्वाइव करना सिखाते हैं, लोगों के व्यक्तित्व दिखाते हैं, तरह तरह के लोगों के साथ में रहना, किस तरीके से रहना चाहिए, किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना चाहिए उन लोगों के सामने। तो एक हक आप लोगों का भी बनता है बिग बॉस वालों का कि वो कहीं ना कहीं उस चीज में
उनको थोड़ा सा सपोर्ट कर सकते हैं, जहाँ वो श्री को बुलाते हैं। जहाँ देखो दीपिका की बात आई जाने जर पे, जहाँ दीपिका ने पहले बोला कि भाई मैंने मना कर दिया था कि मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन मुझे बिग बॉस ने बोला कि आपको जाना ही पड़ेगा दीपिका, तो मैं गई। तो भाई आपने एक बार आप शिव को भी समझा सकते थे जाने के लिए, एक बार बोल सकते थे, उनसे बात कर सकते थे कन्फेंशन रूम में जाकर कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है या ऐसा क्या बात है। लेकिन ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं, क्योंकि उनको शो से निकालना है भाई, निकालना है उनको। उनको वो सोच चुके हैं, क्रिएटिव टीम जो है उनकी काम करी वहां पे, वो सोच चुके हैं उस बात के ऊपर। तो बाकी का आप लोग भी देख रहे हैं बिग बॉस सब, तो आप भी बताओ कि एक्चुअली ये सही था या गलत है ये डिसीजन लेना बिग बॉस वालों का, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये डिसीजन सही है शिव को इस तरीके से घर से निष्कासित करना। बाकी का शिव की गलती है, मैं किसी की साइड नहीं ले रही हूँ, शिव की गलती है कि उन्होंने शो का इस तरीके से मान नहीं रखा या उनकी बात नहीं मानी है, बिकॉज काफी लोगों ने बात नहीं मानी है। हमेशा श्री के मुंह पे हमेशा ना होती है हर चीज के लिए, टास्क हो, कोई बात हो, कोई काम हो, किसी भी चीज के लिए हमेशा उनकी ना होते हैं। वो डायरेक्ट बोलते हैं कि बिग बॉस मुझे अभी घर जाना है, मुझे निकालो, मैं नहीं जानता ये क्या है क्या नहीं है, निकालो। तो उन्होंने भी बहुत बार बोली है, बाकी का आप लोग सोच समझ सकते हैं, क्योंकि सब यहाँ समझदार हैं, सब जानते हैं। उसके बाद में जा सजा मिल गई सब घर वालों को, काफी तमाशा हुआ, लोगों को मौका मिल गया बोलने के लिए, जो लोग उनसे बहुत ज्यादा हावी हो रहे थे उनके ऊपर, तो काफी लोगों को मौका मिल गया उस चीज को बोलने का। उसके बाद में आज घर के अंदर टास्क हुआ, और टास्क सॉरी इस टास्क के बारे में, गार्नियर मैन का टास्क हुआ, उसके बारे में पहले बाद में बात करूँ। एक मुझे दीपिका के 2 पॉइंट आज बहुत अच्छे लगे, जहाँ पहला ये था कि दीपिका ने बोला मेघा से, जहाँ वो बात कर रही थी बार बार जाके जेल के बाहर, जहाँ उन्होंने बोला देखो रिएक्शन सबके आते हैं, किसी के गलत आते हैं, किसी के सही आते हैं। अभी देखो इतना माहौल खराब हो रखा है, और जहाँ सुरभि वाला जो माहौल बिगड़ा था वहां बात चल रही थी, अभी देखो रोहित एक साइड पे जाकर हंस रहे हैं, दीपक भी हंस रहे हैं, तो ये क्या है भाई, गुस्सा तो आएगा ही ना आपके। आप खुद उस चीज को छेड़ते हो, आप उस चीज को खुद बड़ा बना देते हो, और फिर आप खुद ही हंस रहे हो पीछे, मतलब आग लगा के चिंगारी छोड़ छोड़ देना और फिर हंसते रहना, ये भी एक बहुत गलत चीज है। बिकॉज आप एक घर के अंदर रह रहे हो, आपको जैसे आपकी फीलिंग्स है ऐसे दूसरे की भी फीलिंग्स है, आपको उनकी कदर करनी चाहिए। तो मुझे पहली बात दीपिका की ये बहुत सही लगी। उसके बाद में सेकंड बात जो दीपिका ने बोली, सेकंड बात बोली कि रोमिल रेवेंज ले रहा है, और ये सही था, वो रेवेंज ही ले रहे थे, जहाँ उन्होंने क्लियर बोला, जब वो स्वामी जिस तरीके से बात कर रहे थे वो एक तरह से रेवेंज ही था, जब सुर और शिव वाली बात थी वो भी एक तरह से रेवेंज ही था, क्योंकि बहुत लोगों ने बहुत गलतियां की हैं, तो आप उनको भी भेज सकते हो, ऐसा नहीं है कि घर में कोई और नहीं है। उसके बाद में जहाँ पे बात आ रही थी रेवेंज की, तो मुझे एक पॉइंट कहीं ना कहीं वो चीज समझ में आई, दीपिका के कहने के तरीका, कि जिस तरीके से वो शिव का नाम ले रहे थे तो उस बीच में रेवेंज ही था उनका। जहां पे देखो अब सुरभि जब बोल रही है कि मैं जाने के लिए तैयार हूं, तो आप डिसीजन चेंज कर सकते हो रोमिल, इतनी बड़ी बात नहीं होती, आप तो सेव हो गए, और प्लस में आपके पास इम्यूनिटी भी है, तो आपको तो कोई टेंशन था ही नहीं, और आपने इतना फालतू का इतना लपंगा करवाया। आप जब सुरभि बोल रही है तो आप सुरभि को भेज सकते थे, अगर सुरभि रेडी थी इस चीज में। तो ये 2 बातें थी दीपिका की, बहुत पॉइंट वाली बातें थी ये। और आज घर के अंदर हुआ लग्जरी बजट के लिए एक टास्क, जो टास्क था गार्नियर मैन फेस वॉश का टास्क था ये, जहाँ पे दो टीम बनी गई ए एंड बी, जहाँ ए टीम के जो मैन थे जिन्होंने लीड रोल निभाया वो थे रोमिल, और सेकंड थे रोहित, और रोमिल की टीम में थी सुरभि, सोमी, दीपक, सृष्टि एंड करणवीर। रोहित की टीम में थी दीपिका, श्री, शिव, जसलीन और मेघा। बाकी का इन लोगों का इतना कुछ खास इन्वॉल्वमेंट नहीं था, बस बॉल मारनी थी, तो उन्होंने कुछ ऐसा तो कुछ खास किया नहीं, सिर्फ बॉल ही मारना था। और दीपक थे संचालक, क्योंकि उनके हाथ में लगी हुई है तो वो परफॉर्म नहीं कर पाते, बॉल वॉल नहीं मार पाते लोगों में, तो उस वजह से उनको संचालक बना दिया।
जहाँ पे रोमिल जीत गए इस टास्क को गार्नियर मैन को, जहाँ उन्होंने 36.38 सेकेंड रोमिल ने उस टास्क को फटाफट से कंप्लीट कर दिया, जब बेचारे के कांटे वाटे भी बहुत चुभ गए थे उनके बैक पे, जहाँ उनका बेचारा पजामा खिसका ही जा रहा था खिसका ही जा रहा था। और रोहित ने बहुत ही सही तरीके से खेलने की कोशिश की, लेकिन वो उस पूल में नहाने के ऐसा लग रहा था कि वो अब नहाएंगे इसमें, वो खो गए हैं कि टास्क को कोई हो रहा है, सिर्फ वो नहाने लग गए उसमें, ऐसे लग रहा था कि वो अब डुबकियां लेंगे, वो लहर रहे लहर रहे लहर रहे, और लहरते लहरते वो 48.8 49.84 सेकेंड पर जाकर पहुंचे, तो वो ऑब्वियसली हार ही जाएंगे और रो मिल गए चीत लग्जरी बाजार टास्क का कार्य। और उसके बाद में बात हुई है, आज पहले पता है मुझे एक पॉइंट क्लियर करना है, जब ये गार्नियर मैन फेस वॉश वाला टास्क हो रहा था ना, कोशिश तो कहीं ना कहीं यही थी कि ये बहुत ज्यादा फनी वे में होगा, लेकिन जो पिछला जो सीजन था और उसमें जो आकाश ने किया, आकाश ददलानी ने जो परफॉर्म किया था उस टाइम पे, वाह, मुझे वो जैसे ही वो गार्नियर मैन का टास्क का जैसे ही अनाउंस हुआ चिट्ठी से, मेरे को इतना, मैं बिल्कुल मेरे तुरंत माइंड में ना आकाश ददलानी आ गया कि किस तरीके से उसने परफॉर्म किया था, मैं माय गॉड, हंसा हंसा के पेज फोड़ दिया था उसने, इतना जबरदस्त उसने परफॉर्म किया था। लेकिन ऐसे आज हंसाने वाली तो उसमें कोई चीज नहीं थी, सिर्फ वो रोमिल का एक पॉइंट मुझे हंसने वाला दिखा, जो बार बार उनके जब वो तारों के नीचे से निकल रहे थे तो उनके बेचारे कच्चे बच्चे बार बार अट रहे थे, तो वही एक थोड़ा फनी वाला सीन था, बाकी का ऐसा कुछ नहीं था उसके अंदर। उसके बाद में दीपक ने आज बात की केबी से, जब दीपक और केबी बात कर रहे थे तो केबी ने आज उनको सलाह दी दीपक को कि भाई रोमिल से दूर हो जाओ, बिकॉज अगर आप दूर नहीं होगे तो ये गेम बहुत ज्यादा पर्सनल हो जाएगा और आपको बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। जहां उन्होंने हैप्पी क्लब के सारे मेंबर्स के बारे में बात की और जो डिसीजंस वो लेते हैं उनके बारे में बात की, सॉरी बात की कि हैप्पी क्लब में जो डिसीजंस होते हैं कोई फेयर नहीं होता, सब अपने अपने लिए खेल रहे हैं भाई, लेकिन वो ये है सब एक दूसरे की पीठ पे कंधे पे रखकर बंदूक चला रहे हैं एक तरीके से। और जहां उन्होंने दीपक ने पूरी पोल खोल डाली केबी के सामने, भावनाओं में बह गए वो, और केबी ने बहुत अच्छा उनको सजेस्ट किया है कि भाई आप रोमिल से दूर हो जाओ क्योंकि गेम है और गेम में अगर पर्सनल हो गया तो बहुत ज्यादा बड़ी बात हो सकती है। और जहां सुरभि के लिए बोला कि भैया ये विनर विनर नहीं है, ये जाएगी नहीं, अब हो लिया इसका होना था जितना, वाइल्ड कार्ड एंट्री है, एक दो और रहेगी सप्ते ये चली जाएगी। यार के भी बोले थे नहीं यार ये सेमीफाइनल तक तो जाएगी जाएगी सुरभि, अब जाएंगी नहीं जाएंगी वो तो आगे की बात है। तो ये सारी बातें की हैं आज दीपक और केवी ने मिलकर जमकर हैप्पी क्लब की पोल खोली है, और केवी ने कहीं ना कहीं उनको एक पॉइंट दिया है, तो ये पॉइंट कितना सच निकलेगा और कितना झूठ निकलेगा ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा हम लोगों को। उसके बाद में कल के प्रोमो में काफी कंट्रोवर्सी वाली है, कल तो कल का सीन, तो कल का वीकेंड का बार तो बिल्कुल देखना ना भूले, क्योंकि कल अनूप जी आए हैं। अनूप जी से जसलीन ने अपने जो मन में क्वेश्चन थे जो उठ रहे थे बाहर, मैंने भी दो तीन इंटरव्यू देखे हैं जहां अनूप जी ने क्लियर बोला है कि भाई मेरा म्यूजिकल रिश्ता था, और जहाँ उन्होंने जसलीन से जब वो क्लियर क्लियर बात कर रहे थे उन्होंने वहां भी कहा कि भाई मेरा उनसे एज ए स्टूडेंट है इनका, बाकी का ये कैसे और कहाँ हो गया मुझे नहीं पता। तो इतना चुम्मा चाटी करने की और अनूप जी इतना रिलेशन को आगे दिखाने की यहाँ क्या जरूरत थी, अब क्या बिग बॉस वालों, अब बिग बॉस वाले कुछ भी नहीं करेंगे इस चीज को सुनने के बाद में, क्योंकि ये झूठ हो गया, अब जसलीन को निकालना चाहिए अभी क्योंकि ये म्यूजिकल रिलेशनशिप था, लवर रिलेशनशिप नहीं था, कोई कपल गोल नहीं था ये, तो निकालो जसलीन को बिकॉज वो झूठ बोलकर आई है यहाँ पे, अपना इंटरव्यू उन्होंने झूठ के बेस पे दिया है, तो निकालो जब अनूप जी बोल रहे हैं तो अब निकालो ना। उसके बाद में वहीं शिव सही नहीं कर रहे हैं बिग बॉस वाले बिल्कुल भी, शिव की हरकतों की वजह से सलमान जी ने कल उनको निष्कासित कर दिया है घर से, जहाँ कहीं घर वाले बहुत इमोशनल दिखाई दे रहे थे, बाकी का इतना ही दिखाया है और इतनी जल्दी मैं जज नहीं करूंगी किसी भी बात को, बिकॉज कल पता चलने वाला है क्या होगा क्या नहीं है, क्यों निष्कासित कर दिया है, क्या शिव ने फिर से बहसबाजी की है किसी बात के ऊपर, या उन्होंने अपनी गलती नहीं मानी है, या फिर वो कुछ और बात हुई है उसकी वजह से सलमान जी को गुस्सा है और उसको निष्कासित कर दिया है, क्या है क्या रीजन है मुझे नहीं पता,
तो वो कल पता चलेगा वीकेंड के बाहर पर। सो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। और देखते रहो मेरे रिव्यू, बीच बीच में मैं थोड़ा गायब हो जाती हूँ क्योंकि थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो वो भी शॉर्ट आउट करनी जरूरी होती है लाइफ में, जिसकी वजह से मैं रिव्यू नहीं कर पा रही हूँ कंटिन्यू दिवाली के बाद से, दिवाली के बाद से ही। हाँ, तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं दिवाली वाले वीकेंड पे भी बात करूं जल्दी से, तो मैं ऑब्वियसली वो संडे को ही कर पाऊंगी अगर वर्किंग डे से छुट्टी रही तो। बात करेंगे, जरूर 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 बात करेंगे। सो गाइस, देखते रहो, और अभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, टेक केयर। और सोचो समझो आपको क्या लगता है, अगर अपना कोई वीडियो विचार है तो जाओ भाई बूट पे और वीडियो विचार बनाओ और भेजो, और रखो अपने मुद्दे उनके सामने अगर बिग बॉस के इतने बड़े फैन हैं तो। और अभी के लिए बाय बाय।